अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 3 जून 2024 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, फ्री में एडमिशन कैसे लेना है? जी हाँ, ये सवाल रहता है पहले आप लोग के कमेंट्स का भी आंसर हम इसी वीडियो में करेंगे जो आप लोग ने कमेंट किया है। ठीक है, कमेंट की एक लंबी लिस्ट भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, एडमिशन से संबंधित सारी जानकारी हम आपको शेयर करेंगे कि आपको अपना एडमिशन कैसे लेना है। कमेंट बॉक्स में दोस्तों लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में देखिएगा मेन, ठीक है ना। कमेंट में कभी कभी दिखता नहीं है, तो एक एक करके आपके हर एक डाउट को हम इस वीडियो में क्लियर कर देंगे कैसे आपको A to Z पूरा प्रोसेस करना है एडमिशन का, ठीक है ना। जैसे बहुत से बच्चे अभी जानते भी नहीं डीएलएड होता क्या है, पहले ये जान जाइए डीएलएड या बीटीसी हम करते क्यों है। दोस्तों अगर हमें सरकारी शिक्षक बनना है और प्राइमरी लेवल पर हमें पढ़ाना है 1 से लेकर 5 तक या 6 से लेकर 8 तक, इन क्लास में अगर हमें शिक्षक बनना है तो उसके लिए हमें डीएलएड या बीटीसी का कोर्स करना अनिवार्य है, ठीक है। बिना इस कोर्स के आप शिक्षक नहीं बन पाएंगे। आप जैसे देखते होंगे यूपी में या किसी भी अन्य राज्य में कोई शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आता है, तो दोस्तों वहां पर मिनिमम जो क्वालिफिकेशन मानी जाती है, मिनिमम आपकी योग्यता जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए डीएलएड या बीटीसी, ठीक है ना। इसीलिए दोस्तों सभी बच्चे डीएलएड या बीटीसी का कोर्स करते हैं। चलिए अब आपका कमेंट देखते हैं। सर देखिए यहाँ पर कमेंट है कि सर अभी तक 6th सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है तो क्या हम अपीयरिंग में फॉर्म भर सकते हैं क्या? देखिए रिजल्ट बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। बीएड का जब एंट्रेंस एग्जाम आप देते हैं वहां पर अपीयरिंग में रहते हुए फॉर्म डाल सकते हैं, लेकिन डीएलएड में ऐसा नहीं होता। जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे उस डेट तक आपका रिजल्ट आना चाहिए। उसका रीजन क्या है मैं आपको बता दें, जो ये आपका कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 होता है ना, इसी में आपके ग्रेजुएशन के नंबर मांग लिए जाते हैं। और उसका एक और रीजन है यहाँ पर दोस्तों, ग्रेजुएशन में मिनिमम अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 50% होना चाहिए और आरक्षित वर्ग में 45%, ठीक है, ये कंडीशन अप्लाई की जाती है। तो इसीलिए अगर आप ग्रेजुएशन में नंबर पहले नहीं डालेंगे तो प्रोसेस नहीं होगा। और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर ये है ना कि जो आपका एडमिशन है उसका आधार क्या होता है, मेरिट बेस पूरा एडमिशन होता है। अगर एंट्रेंस एग्जाम बीएड के जैसे यहाँ पर भी हो जाए तो भी दोस्तों आपको यहाँ पर अपीयरिंग में मौका दे दें, लेकिन ऐसा होता नहीं, मेरिट ही मेन है तो फिर मौका नहीं मिल पाता। अगला सवाल देखते हैं। सर EWS आरक्षण का फायदा सिर्फ एडमिशन में होता है या जॉब में भी? अब देखिए आज की डेट में अगर कोई जॉब आती है, ठीक है ना, कोई नौकरी आती है, तो वहां पर आप देखते हैं कि जनरल में इतनी सीटें हैं, EWS में सीटें अलग होती हैं, OBC में अलग होती है। ये एक आरक्षित वर्ग है EWS, ठीक है ना, तो वहां पर भी आपको आरक्षण मिलेगा। सर मैं कोलकाता से 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन किया है, मुझे यूपी डीएलएड करना है, मेरे पास निवास प्रमाण पत्र है, मेरा एडमिशन होगा ना? बिल्कुल हो जाएगा आपका एडमिशन, ठीक है ना। तो मेन क्या होता है ना कि आप यूपी के रहने वाले हो, कभी कभी बच्चे ग्रेजुएशन करने भैया बीटेक करने कहाँ कहाँ चले जाते हैं, दूर दूर के कोर्सेस होते हैं, ठीक है ना। मेन अगर आप यूपी के हैं तो कोई दिक्कत नहीं। और देखिए जिन भी बच्चों को डाउट और ज़्यादा रहता है, तो अगर आप यूपी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है, आपने कोई ना कोई कॉलेज पहले से सिलेक्ट कर रखा होगा, भगवान भरोसे कोई भी डीएलएड में एडमिशन नहीं लेता, तो आप उस प्राइवेट कॉलेज में एक बार पूछ लीजिएगा। देखिए किसी को कोई डाउट रहा करे तो सर हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ऐसे हो जाएगा, क्योंकि जो आपके डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट की जो जाँच करते हैं ना देखते हैं वो वही कॉलेज वाले ही देखते हैं, ठीक है ना। इसलिए आप पहले से बात कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। सर मेरा 10वीं में 68 है 12वीं में 64 है और यूजी में 55 है, जनरल कैटेगरी है, मुझे डायट कॉलेज मिलेगा या नहीं? देखिए सर आपको बता दें इतने कम नंबर पर डायट है, डायट कॉलेज पाने के लिए मिनिमम 230 से लेकर 240 प्लस नंबर होना चाहिए। और इस बार दोस्तों जो इंटरेस्ट आ रहा बच्चों का ना वो 240 प्लस में भी लेकर जा सकता है, ठीक है। अब अगला देखते हैं सवाल, बीटीसी यूपी में अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल अदर स्टेट से दिक्कत नहीं होती है, लेकिन दिक्कत ये है कि आपके पास यूपी का निवास प्रमाण पत्र है या नहीं। फिर वही दोस्तों, सर 6th सेमेस्टर एग्जाम दे रहा हूँ, ये फॉर्म फिल कर सकती हूँ क्या? मेरे परसेंटेज हाई स्कूल में 71, इंटर में 77 है, परसेंटेज आपके बढ़िया है, ठीक है, लेकिन रिजल्ट आना आपका ग्रेजुएशन का जरूरी है। देखिए लास्ट ईयर तो बहुत लंबे समय तक ऑनलाइन आवेदन चला था, उतना आवेदन इस बार हो जाए तब तो फिर मजा आई। 2 जून से आवेदन शुरू हो गया था, मतलब आज 3 तारीख को आप वीडियो देख रहे हैं, मतलब सोचिए कि एक दिन पहले से आवेदन हमारा शुरू हो चुका था और 31 अगस्त तक चला था, लेकिन आपको बता दें कई बार डेट को एक्सटेंड किया गया है।
आप ये मत सोचिएगा कि 2 जून को आवेदन शुरू हुआ और लिख गया कि लास्ट डेट 31 अगस्त, ऐसा नहीं था। डेट को बार बार बढ़ाया गया था क्योंकि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया। ठीक है सर, सीटेट का फॉर्म डीएलएड करते हुए भर सकते हैं क्या, या डीएलएड कंप्लीट होने के बाद? देखिए जो सीटेट का फॉर्म होता है, जिस दिन आप डीएलएड में एडमिशन ले लिए, मान लेते हैं कि आपका जुलाई में डीएलएड का कोर्स शुरू होता है, तो जो सीटेट दिसंबर का पेपर होगा, देखिए सीटेट का पेपर साल भर में 2 बार होता है, तो अगला जो सीटेट दिसंबर में आएगा ना फॉर्म, उसका फॉर्म आप लोग डाल पाएंगे। अगर सरकारी कॉलेज नहीं मिलता है तो फॉर्म भरते समय प्राइवेट कॉलेज का नेम सिलेक्ट करना होगा। जी हाँ, देखिए जब आप लोग ऑप्शन फिल करते हैं, देखिए यहाँ पर, देखिए आपको दिखाते हैं, पहले आप लोग अपनी स्टेट रैंक डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि आपका सरकारी कॉलेज मिल सकता है या नंबर ठीक ठाक है, मान लीजिए आपका 200 से प्लस नंबर है, ठीक है 200 प्लस है, तो आप लोग पहले 5,000 की पेमेंट करेंगे जनरेट ओटीपी के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन फिलिंग में पहला मैक्सिमम बच्चे डायरेक्ट कॉलेज का विकल्प देते हैं फर्स्ट पर, उसके बाद अनलिमिटेड आप चाहेंगे तो आप लोग यूपी के हर एक डायरेक्ट कॉलेज का विकल्प दे सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर उस कॉलेज की सीट फुल हो गई है तो उस कॉलेज का नाम आपको शो नहीं करेगा, उन्हीं कॉलेज का नाम आपके सामने आएगा जिसमें सीट अभी खाली होगी। उसके बाद चॉइस को आप लॉक करेंगे, अलॉटमेंट रिजल्ट डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले जनरेट ओटीपी के समय 5,000 की पेमेंट होगी, और जब चॉइस आ जाएगा, ठीक है, इसको फाइनल सबमिट करेंगे तो 5,000 और पेमेंट करेंगे, इस रिजल्ट को डाउनलोड करेंगे। मतलब एडमिशन लेने से पहले ही आपको 10,000 की पेमेंट करनी पड़ेगी। एक बात और, सरकारी कॉलेज की फीस ही 10,200 रुपये होती है एक साल की, 10,000 आप पहले पेमेंट करेंगे तो बाद में कितना बकाया रहेगा आपका, मात्र 200 रुपये। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं स्टेट रैंक के हिसाब से आपको काउंसलिंग का मौका मिलता है, जैसी आपकी रैंक होगी वैसे आपको मौका मिलेगा। ये चेक लिस्ट, इसको जरा ध्यान में रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट जो वैकल्पिक उसको आप छोड़ सकते हैं, लेकिन जिसमें वैकल्पिक नहीं लिखा है उनको आप तैयार रखिए। ये वाला देखिए डायट कॉलम में देखिए लिखा है ना 200 रुपये, जो डायट कॉलम में जितना भी रुपये बचता है उसकी DD बनाई जाती है। ठीक है ना, उसके बाद दोस्तों देखिए प्रथम सेमेस्टर में कौन कौन से विषय आपको पढ़ने पड़ेंगे, तो यहाँ पर विषय की लिस्ट लिखी है, बाल विकास, शिक्षण अधिगम का सिद्धांत, विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, संस्कृत या उर्दू, कंप्यूटर। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको उर्दू पढ़ना है तो उर्दू भी ले सकते हैं, नहीं तो संस्कृत। ठीक है, ये आपके ऊपर, चॉइस आपकी है। ठीक है ना, दोनों नहीं लेना है, बहुत से बच्चे डर जाएंगे उर्दू तो नहीं पढ़ना पड़ेगा, नहीं आपको नहीं आती मत पढ़िए, संस्कृत लीजिए। देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में संस्कृत मिलती है, जब सेकेंड सेमेस्टर आएगा तो यहाँ पर आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट आएगा, फिर थर्ड में फिर संस्कृत आएगी, फोर्थ में फिर आपका इंग्लिश आएगा, मतलब 2 बार इंग्लिश, 2 बार आपको संस्कृत पढ़ना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं आप लोग के डाउट हम रोज क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है ना, शेयर करना आप लोग भूल जाते हैं जो कि ठीक नहीं लगता हमें। बाकी एज लिमिट मिनिमम 18 साल होनी चाहिए उम्र, मैक्सिमम 35 और कहीं कहीं 40 साल। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने बता रखा है, फीस आपकी देखिए 700 रुपये एडमिशन के लिए सकती है। ठीक है, जो फॉर्म भरेंगे या इस बार बढ़ गई तो रेट अलग होगा, बाकी प्राइवेट कॉलेज तो आप जानेंगे। कट ऑफ दोस्तों जनरल में 230 से ऊपर, EWS में 225 से ऊपर, OBC में 225 से ऊपर, SC में 220 से ऊपर। ठीक है, क्या UP में 12वीं पास छात्रों को मौका मिलेगा? देखिए दोस्तों जब DLED 4 साल वाला आएगा ना तब मौका मिलेगा, फिलहाल अभी 2 साल वाले में ग्रेजुएशन जरूरी है। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और एक बात और, आवेदन में कोई सुधार का मौका नहीं मिलता तो फॉर्म भरते समय गलती नहीं करना, हमारा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए, ठीक है 8738079216। कोई दिक्कत होगी तो आप हमें मैसेज करिएगा, फिर मिलते हैं।